हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चमचम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 1 किलो दूध लिया है, इसका हम छेना बनाएंगे। और 1 लीटर दूध लिया है, इसका हम मावा बनाएंगे और इसे उबलने के लिए गैस पर रख देंगे। दूध को हम गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। ये हमारे दूध में उबाल आ गया, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारे मावे के लिए दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। मावे के लिए हम दूध को पका रहे हैं, इसे हम साथ साथ हिलाते रहेंगे और साथ में जो साइड पे मलाई आ रही है उसे भी हम उतारते रहेंगे। इसे हमें हिलाना नहीं छोड़ना है ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे और ये जले ना। अब ये मावे के लिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। इसे हम और थिक कर लेंगे। अब ये मावा बनकर तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये ठंडा होकर अपने आप थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। ये दूध अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब ये हमने 2 चम्मच विनेगर लिया है, इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। इसे मिलाकर इसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। अब ये दूध में से छेना अलग हो गया है, अब हम इसे छान लेते हैं। छेने को छानने के लिए हमने जाली ले ली है, इसके ऊपर हम सूती कपड़ा रख देंगे। छेने को हमने छान लिया है, अब हम इसे उठाकर दूसरे बर्तन पर रख देते हैं। और ये जो हमारा पानी बचा है इसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे सब्जी बनाने के लिए चाहे आटा गूंदने के लिए। अब इसे हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेते हैं ताकि इसमें से विनेगर की स्मेल और उसकी खटास चली जाए। इसे हमने वॉश कर दिया है, अब हम इसमें से अच्छे से पानी निकाल देते हैं। ये सारा पानी हमने इसमें से निकाल दिया है, अब हम इसे टैप पे बांध देते हैं ताकि इसमें से जो भी पानी बचा है वो अच्छे से निकल जाए। आधे घंटे के लिए हम इसे टैप पे बांध देते हैं। ये हमारे छेने में से सारा पानी निकल चुका है, अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे हम हाथ के पिछले हिस्से से अच्छे से मैश कर लेंगे। छेने को अच्छे से मैश करने से छेना एकदम सॉफ्ट हो जाता है और हमारी जो चमचम है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। इसे हमने थोड़ा मैश कर लिया है, अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ताकि छेने की बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। इसे आज हम थोड़ा कलरफुल बनाएंगे, इसके लिए हम इसमें थोड़ा येलो कलर ऐड कर देते हैं। ये हमने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है, आपके पास जो भी कलर हो आप वो डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे वाइट भी बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हमने डो तैयार कर लिया है, चमचम बनाने के लिए हम इसके ओवल शेप के गोले तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम इसमें 1.5 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं और 4 कटोरी हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे।
हमारी चाशनी में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें हम जो गोले बनाए थे अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम गैस पे ढककर थोड़ी देर पकने देंगे 15 मिनट के लिए। चमचम को रखे हुए हमें 15 मिनट हो गए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारी चमचम थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अभी ये चमचम को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम इसमें कट लगा के इसमें मावा फिल कर देंगे जो हमने बनाया था। इसी तरह से हम बाकी में भी भर देते हैं। ये हमने सारा मावा इसमें फिल कर दिया है। अब हम कोकोनट से थोड़ी इसकी डेकोरेशन कर देते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चेरीज डाल देते हैं। इसको हमने डेकोरेट कर दिया है। अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।